नमस्कार, फ्लावर्स एंड किचन गार्डन में मैं कविता आपका स्वागत करती हूँ। और ये वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जो कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा इंसिडेंट कह सकते हैं जो हर गार्डनर के साथ होता है। और आप मेरा वीडियो देख के समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि इसी बारिश में मैंने ये मिट्टी फैलाई है और हवा भी चल रही है, और मुझे पता था कि कभी भी पानी आ सकता है, लेकिन 6-7 दिन से मेरे गार्डन में हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई है। तो मुझे लगा कि मैं जो मिट्टी पॉट में जो पौधे मर गए हैं, या मैं कहूँ कि मेरे जो तीन चार रोज़ेज़ हैं वो मर गए हैं, तो उनके पॉट खाली पड़े हैं, जैसे कि ये यहाँ पर, तो उनकी मिट्टी को मैं फैला रही हूँ ताकि हवा लग जाए और मैं जो पौधे रिपोर्ट करना चाहती हूँ उन्हें रिपोर्ट कर सकूँ। तो आप मेरा ये इस वीडियो को गार्डनिंग व्लॉग भी समझ सकते हैं, कि मैं जो गार्डन में वर्क कर रही हूँ उसमें हम सब कुछ जानते हुए भी कभी कभी ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब बारिश शुरू हो गई है तो कभी भी पानी आ सकता है, साफ़ मौसम में भी पानी आ सकता है। तो ये जो छोटे छोटे गमले हैं जिनमें बड़े पौधे लगे हैं, जिन्हें अब बारिश में ये और फैलेंगे, तो इन्हें जगह चाहिएगी। ये देखिए, क्या हाइबिस्कस है जिसका रूट रॉट हो रहा था और लीव्स का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, तो इसमें मैंने सीवीड एक्सट्रैक्ट भी दिया है और इसे रिपॉट भी कर दिया है। तो आई होप इसकी लीव्स वापस से ग्रीन हो जाए और बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं इसमें पिंक कलर के। उसके शॉर्ट वीडियोस मैंने बहुत बार मेरे चैनल पर मैंने डाले हैं, आप ज़रूर देखिएगा। और एक ये भी है, ऑरेंज कलर का मल्टी पेटल हाइबिस्कस है, तो ये इसे भी एक 10 इंच के गमले में लगाया है। तो हाइबिस्कस, रोज़ेज़, इन्हें कम से कम 12 से 15 इंच का गमला तो हमें देना चाहिए। और कुछ मिट्टी के गमले भी मैंने ख़रीदारी की है, लेकिन उसका वीडियो भी मैं जब प्लांट्स परचेज करूँगी तो उसी के साथ मैं उनके भी प्राइजेस और वो पॉट आपको दिखाऊँगी। और ये देखिए, एक रोज़ेस जो मेरे पास स्प्रे गन नहीं थी, उस वजह से डायबैक हो गए, और मैं चाहती थी तो बॉटल से स्प्रे कर सकती थी, लेकिन कभी कभी होता है ना, हम लापरवाही कर जाते हैं और पौधा मर जाता है। तकलीफ़ तो बहुत होती है, क्योंकि बहुत ही सुंदर रोज़ेस थे ये, और सारे के सारे हाइब्रिड थे, मल्टी कलर नहीं कहेंगे, डबल कलर वाले, और जिसमें मेरा आबरा का डाबरा भी था और टाइगर रोज़ था और एक मेरा येलो ऑरेंज कलर का रोज़ था, और होल ऑरेंज हाइब्रिड टी था, और येलो कलर का जो था वो भी नहीं, वो फ्लोरीबंडा था जिसमें बहुत सारे फूल आते थे। तो मिट्टी को मैंने धूप में दिया, और मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ कि क्या गलती मुझसे हुई और किस तरीके से हुई। और ये मिट्टी मैंने इसलिए धूप में दी कि रोज़ेस जो जिनमें फंगस लग गई थी और वो मर गए थे, तो मैंने सोचा अगर इसी में मैंने कोई दूसरा प्लांट लगा दिया तो रोज़ेस मेरे मर चुके हैं, तो कहीं दूसरा पौधा ना मर जाए। इसलिए मैंने, अच्छी धूप निकली हुई थी, पर अचानक आज ये कल का वीडियो है और आज सुबह अचानक बारिश हुई और सारी मिट्टी गीली हो गई। तो आप ऐसा काम ना करें, अब बारिश आ चुकी है तो अब मिट्टी को धूप दिखाने का काम ना करें। हाँ, अगर कोई फंगस वाली मिट्टी है तो आप उसे ऐसी की ऐसी साइड में सरका के रख दीजिए, जब बारिश चली जाएगी तो उसके बाद जब बारिश चली जाएगी तो उसके बाद हम इसे धूप दिखा देंगे। तब तक आप नई मिट्टी ले आइए और उसमें ट्राइकोडर्मा ज़रूर मिक्स कीजिएगा, क्योंकि अब बारिश में बिना ट्राइकोडर्मा के टेरेस पर पॉट में प्लांट्स का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये तो मैंने सारी मिट्टी धूप में लगा दी। कभी कभी हम बहुत नादानियाँ कर जाते हैं, और मेरी बहुत सारी मिट्टी बह भी गई बारिश की वजह से। सुबह मैं तो नहीं गई, लेकिन मेरे हस्बैंड जल्दी जल्दी ऊपर गए और उन्होंने रेनकोट डाला और सारी मिट्टी को सुपड़ी से उठा करके और जो पॉट वहाँ रखे हुए थे उन्हीं में भर दिया जो मैंने खाली किए थे, उनमें कोई ड्रेनेज होल नहीं डाला, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी सी मिट्टी ही बहकर जाएगी पॉट में से, लेकिन बहुत सारी मिट्टी उस समय तक बह चुकी थी और बहुत तकलीफ़ हुई मुझे। बट अगर हम गार्डनिंग करते हैं तो हम बेवकूफ़ियाँ भी करते हैं, और ऐसी बेवकूफ़ियाँ होती रहती हैं, और
कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, मिट्टी है और ले आएंगे, लेकिन जो बह के चली गई, जिसे हमने मैंने पूरे 1.5 साल तक संभाल के रखा, और मैं मिट्टी को बिल्कुल खाली नहीं रहने देती हूँ। जैसे ही मेरे पास पॉट आता है, मैं जल्दी से उस पॉट को भर देती हूँ मिट्टी। तो मैंने अभी नए प्लांट्स के लिए भी मिट्टी बचा के रखी है, क्योंकि ठंड में जो मैंने सब्जियाँ लगाई थी उनकी बहुत सारी मिट्टी बची हुई थी, वो मैंने बचा के रख रखी है। और ये देखिए, अभी ये एक दिन पहले का शॉट है और शाम हो गई, और ये देखिए सुबह का, सारी मिट्टी, सारी तो नहीं, थोड़ी थोड़ी बह गई, और ये पॉट में भर लिए, एक ये थोड़ी सी यहाँ पर थी वो इन पॉट्स में भर लिए, और ये थोड़ी सी मिट्टी, बहुत सी मिट्टी तो नीचे भी रखी हुई है। तो गलतियाँ होती हैं और मुझसे भी हुई है, आई होप ये गलतियाँ आपसे ना हो। आप भी ध्यान रखें, आप बिल्कुल भी मिट्टी को धूप ना लगाएं, क्योंकि ये काम हमें मार्च अप्रैल और मई जून तक कर लेना चाहिए, जून में भी नहीं, मई तक कर लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है, गार्डनर्स हैं हम, तो कोई ना कोई पौधा कभी ना कभी एक दो तो मरता रहता है, तो कोई टेंशन नहीं है, उस मिट्टी को आप साइड में सरका दीजिए, और बारिश के बाद जब धूप निकलेगी तब इसे धूप लगाइएगा। और बहुत ही सुंदर सुबह सुबह पर्सुलेन के फ्लावर्स खिल रहे हैं, और ये जो फ्लावर्स मुरझा गए हैं, मैं आज इन्हें तोड़ लूँगी, और अगर हुआ, ये देखिए सुबह बारिश आई तो यहाँ साइड में कोने में पानी भर जाता है, तो मुझे प्लांट्स को इस पानी से दूर रखना होता है। बहुत ही सुंदर रोज़ेस खिल रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारे। तो आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर नए थे सब्सक्राइब ज़रूर करें।